हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मटर की कचौड़ियाँ, खस्ता कचौड़ियाँ। चलिए ये देखिए, मैंने मटर ले ली है और मैं इनको थोड़ा सा पहले बॉईल कर लूँगी। मटर मैंने ज़्यादा नहीं ली है क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ही बनानी है। तो मैं आप लोगों के साथ इसके लिए ये देखिए मैं शेयर करती हूँ। देख रही है मटर उबल रही है और इसे अच्छे से डुलाते रहना है। मटर को हमें तब तक उबालना है ताकि ये अच्छे से आपको दिखने लग जाएगी। अभी मैं दिखाऊँगी, मटर ना दिखने में थोड़ा सा ऐसे सुकड़ जाएगी आपस में, ऐसे थोड़ा छोटा साइज हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से उबल रही है, अभी इसे ऐसे रहने दूंगी। ये देखिए मैंने उबाल ली है, ये देखो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, और मैंने इसका डो पहले से तैयार करके रख लिया था। ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है। चलिए फिर हम लोग बनाते हैं कचौड़ी। ये देखिए मैंने इसको पहले पीस लिया है अच्छे से। अब इसमें मैं सारा मसाला मिक्स कर लूँगी। और डो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी रेसिपी की जो वीडियो मैंने शेयर की हुई है उसके में मैंने बताया हुआ है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डो की जो वीडियो है उसमें मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, थोड़ा तेल डाला है, अजवाइन, धनिया पत्ते और स्वाद अनुसार नमक। तो ये देखिए अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये मैं थोड़ी सी हींग लूंगी क्योंकि मटर जो होती है आप लोगों को पता है आप लोग यूज़ करते हैं, हींग मैं थोड़ी ज़्यादा लूंगी क्योंकि मटर थोड़ा हैवी होता है तो हम लोगों को पाचन में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसको इजीली आप लोग पचा पाएंगे, खाने में भी स्वाद लगेगी, खुशबू भी आती है। अब मैं लूँगी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा। ये देखिए लाल मिर्च थोड़ा सा कम ही लूँगी क्योंकि थोड़ा तेज है। ये धनिया पत्ता मैंने काट के अच्छे से धो के रख लिया पहले से ही। ये कटी हुई हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से लें, अगर तेज खाते तो और डाल सकते हैं, मैं कम ही लेती हूँ तो मैं कम ही यूज़ करूँगी। अब ये मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया मटर थोड़ी हैवी होती है तो ये आप अजवाइन डाल सकते हैं। अजवाइन तो वैसे भी हम लोगों के लिए खाने में अच्छा होता है। अब मैं लूँगी नमक। नमक हमेशा अपने स्वाद अनुसार डालें, आपको जैसा आपको खाना हो उस तरह डाल लें। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। देखिए अब हम थोड़ी सी छोटी लोई बना लेंगे। अब इसके अंदर भर लेंगे वो। इसमें थोड़ा ही भरें क्योंकि मटर को पकने में थोड़ा सा हम जब कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसी वजह से हम थोड़ा पतली ही रखेंगे, ज़्यादा मोटी ना करें। ये देखिए आराम से एक दूसरे में से चिपकाते रहना आटे को और ये बंद हो जाएगी। ये देखिए मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को चीज़ें सही से समझ आ पाएँ ताकि बनाने में कभी कोई दिक्कत ना हो। और हल्के हाथ से इसे बेलेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। अब मैंने थोड़ा तेल ले लिया, इसे पहले अच्छे से गर्म होने दिया है। तेल हमारा अच्छे से हो चुका है, अब इसमें कचौड़ी डाल दूंगी मैं। ये देखिए, और इसे अच्छे से फ्राई करनी है। और आपको ज़्यादा क्रिस्पी आपको कचौड़ी चाहिए हो तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने नहीं करी है बट अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं सूजी। जब डो तैयार करते हैं उसी टाइम डाल दीजिएगा और थोड़ा टाइम दीजिएगा, आधा घंटे अगर हो सके या तो फिर 10 मिनट आप डो को पहले से ही करके रख दें। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से फूल रही है। ये देखिए दिखने में अच्छे से हो गई है, ब्राउन हो गई है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसका ऑयल अच्छे से निकलने दूंगी। और इसको एक एक करके ही तलें क्योंकि ज़्यादा अगर ये एक दूसरे में टच होगी तो ये फूटने का डर रहता है, फिर पूरी कढ़ाई में फैल जाएगा, फिर तेल आपका खराब हो सकता है।
हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी लग रही है। आप चाहें तो इसे सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर दही के साथ भी ले सकते हैं, जिससे आप खाना चाहें खा सकते हैं। ये देखिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, अपने दोस्तों में अपने बच्चों को जरूर बना के खिलाएंगे और मेरी सारी वीडियो की तरह मुझे इतना ही प्यार देंगे। तब तक के लिए बाय एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।